ये लड़की दूर हट मेरी गाड़ी से। अरे रोजी तू, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? अरे सतीन तू है, कैसा है तू? अरे मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन तूने क्या हालत कर रखी अपनी, और यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। अच्छा तो तूने शादी कर ली? हाँ। चलो अच्छा हुआ, लेकिन तेरी हालत देख के ना मुझे पता नहीं क्यों तरस आ रहा है। क्या करता है तेरा पति? वो मेरे हस्बैंड ना। चल चल छोड़ छोड़, मेरे को तेरी हालत देख के अच्छे समझ में आ रहा है, शायद वो ठेला वेला लगाता हुआ या फिर किसी कंपनी में काम वाम करता हुआ, है ना? नहीं सतीन तू गलत समझ रहा है। अरे मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। तूने एक बार अपना हुलिया देखा है? ये साड़ी, चप्पल, ये पॉलिथिन, और ये देख बालों का क्या हाल कर रखा है तूने। सच में तेरी तो जिंदगी खराब हो गई। पता है बाबा, ये वही लड़की है जिसके लिए मैंने आपको अप्रोच किया था ना कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। अच्छा ये वही लड़की है? वही है पापा, लेकिन आज इसकी हालत देखो। सच में अगर उस वक्त इसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता ना पापा, हाँ जी ना, मेरे साथ ऐश करी होती, जिंदगी का असली मायना समझ पाती। तुझे पता है आज मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। ये देख गाड़ी 20 लाख रुपए की है, तेरा पति तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। आज मेरे पास बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं है, हर एक करोड़ों रुपए हमारे पास। लेकिन तू, तेरी हालत देख के तो ऐसा लगता है कि तेरे अकाउंट में और घर को मिला के ना शायद 1000 रुपए भी नहीं होंगे। सच में बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। अरे सतेन तू ये कैसी बातें किए जा रहा है? और हुलिये का क्या है? वो तो मैं यही पास में मार्केट तक आई थी अपने हस्बैंड के साथ, बस इसीलिए। और साड़ी, साड़ी तो वैसे भी भारतीय संस्कृति का परिधान होती है ना। अरे बस बस, ये लेक्चर देना ना बंद कर। अरे तू हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी पापा, सच में लड़के इस पे मरते थे, लेकिन आज इसकी हालत देखो, कोई घास भी नहीं डालेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, तू एक काम करियो, अपने पति को लेके ना मेरे पास आ जाइयो, मैं तेरे पति को कोई अच्छी सी जॉब दे दूंगा जिसमें वो महीने की 30-40 हज़ार रुपये तो कमा ही लेगा। उससे शायद तेरे ये हालात भी सुधर जाएं। क्यों पापा, सही कह रहा हूँ ना मैं? वैसे बेटा तू ना वास्तव में गलती कर दी, अगर तू मेरे बेटे से शादी कर लेती तो तुझे आज किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हारी स्थिति देख करके तो लग रहा है कि वास्तव में तुम बेहद परेशान। अरे नहीं नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, मेरे पति मुझे बहुत खुश रखते हैं। हाँ 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 दिख रहा है वो तो। अगर तेरा पति तुझे बहुत खुश रखता ना तो यहाँ खड़ा होके तुझे इंतजार नहीं करना होता, कम से कम गाड़ी तो होती उसके पास। तेरे हुलियों को देख के ना बहुत अच्छे से पता चल रहा है। और एक और बात, तू पहले मेरी गाड़ी से टच करके खड़ी हुई थी ना तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरी गाड़ी से ये क्या कर रहे हो तुम? मैम आप ठीक तो हैं? अच्छा मैम और ये, अरे ये मेरी गाड़ी से टच करके खड़ी हुई थी तो मुझे इस पे गुस्सा आ गया। जवान संभाल के, तुम्हें पता भी है ये कौन है? कौन है ये? ये हमारे इस शहर के नए IPS की बीवी हैं। हाँ लेकिन ये ऐसे उलिये में क्यों रहती है? मैम को सादगी से रहना पसंद है इसलिए मैम इस तरह रहती है। हाँ ये सही कह रहे हैं, मुझे सिंपल रहना पसंद है। और खराबी क्या है इन कपड़ों में? अरे साड़ी तो इतना खूबसूरत पहनावा होता है ना कि इस पहनावे में तो हर औरत खूबसूरत लगती है। और सतेन ये जो तुम्हारी पैसों में तोलने मोलने की आदत है ना, इसी वजह से मैंने उस वक्त तुम्हें पसंद नहीं किया था, तुम्हें ठुकरा दिया था मैंने। और वैसे भी किसी को ना पहनावे से जज नहीं करना चाहिए, पर तुम्हारी ये आदत गई नहीं ना कि तुम लोगों को पैसों से और उसके पहनावे से जज करते हो। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें उस वक्त ठुकरा दिया था, वरना आज मैं तुम्हारे साथ शायद खुश नहीं रह पाती और मेरे अंदर से शायद इंसानियत भी खत्म हो जाती तुम्हारी तरह। चलिए मैम चलते हैं, सर इंतजार कर रहे हैं आपका। चलिए।